नमस्ते। आज मैं फिर नए वीडियो के साथ आ गए। ये स्नैक्स है, कैसे बनाएंगे चले स्टार्ट करते हैं। गैस पे तवा रखिए, दो चम्मच तेल डाल देंगे, इसको गरम होने देंगे। फिर काले सरसों एक चम्मच डाल देंगे, इसको थोड़ा चटकने देंगे, ये देखिए। और उसके बाद आप गैस का फ्लेम लो कर देना और थोड़ा सा पानी डालना। आप सूजी किस हिसाब से ले रहे हो वही हिसाब से पानी डालना। एक हाथ से सूजी डालेंगे और एक हाथ से इसको चलाते रहना है, इस तरह अच्छे से मिक्स करने हैं। गुठलियाँ नहीं होने देना है इसको। और 5 मिनट के बाद देखिए इस तरह हो जाएंगे, तवा में चिपकानी है, इस तरह चलाते रहना है इसको अच्छे से। अभी इसको ठंडे करने के लिए प्लेट में रख देंगे और ऐसे फैला देंगे, ठंडे हो जाएंगे। अभी चेक करेंगे, हाँ ठंडा हो गया। अभी यहाँ पे मैंने 2 आलू बॉईल करके मैश करके रखे हुए थे, वो आलू डाल रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे धनिया पत्ता डालेंगे, खूब सारा डाली हुई है मैंने, और प्याज भी डालेंगे फाइन चॉप करके ऐसे। अभी यहाँ पे हरे मिर्च डाल रही हूँ मैं, आप बच्चों को खिला रहे तो मत डालिए। अभी यहाँ पे मैंने अदरक की पेस्ट डाली है, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया मसाला, नमक स्वाद अनुसार, अजवाइन थोड़ा सा क्रश करके डाल देंगे, डाइजेशन के लिए अच्छे होते हैं इस तरह। अभी यहाँ पे मैंने चावल आटा ली हुई है 2 चम्मच। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह करके। आलू सूजी ये सब मसाला पूरा मिक्स होना चाहिए अच्छे से। अब तैयार हो गया, ये देखिए। ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अभी हाथ में थोड़ा सा लेके ऐसे, अब इसको शेप आपकी मर्जी कैसे भी ले सकते हैं, राउंड शेप में भी ले सकते हैं। और ये मैं तो ऐसे ले रही हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगे, ये देखिए। और जल्दी भी हो जाते हैं, ज़्यादा मोटा भी मत लीजिए क्योंकि अंदर पकने भी पड़ता है तेल में ना, तो ज़्यादा मोटा मत लीजिए, मीडियम साइज़ में ले लीजिए। और ऐसे जल्दी जल्दी से बन लेते हैं ऐसे, ये देख लीजिए तैयार हो गया। और एक बना के दिखा रही हूँ मैं, ऐसे हाथ में लेना है, अच्छे से इसको मैश करनी है इस तरह ऐसे करके। आप ज़्यादा लंबा भी बना सकते हैं लेकिन मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये स्नैक्स बहुत पसंद आएंगे आपको, बच्चे को आपको। और घर पे कभी कभार छोटे छोटे पार्टी होने से उसमें भी ये स्नैक्स बना के खा सकते हैं। ये देखिए मैंने 20 पीस रेडी कर लिया है बना के। अभी इसको डिप करने के लिए घोल बनाते हैं। मैंने यहाँ पे अरारोट 2 चम्मच ली है, आप अरारोट नहीं है तो फिर मैदा भी ले सकते हैं। और मैंने 2 चम्मच आटे ली हुई है, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चुटकी भर नमक भी डाल देते हैं यहाँ पे, फिर इसको मिक्स करेंगे। अभी पानी डालेंगे इसमें, पानी डाल के अच्छे से इसका घोल बनाना है ऐसे करके, मिक्स कर देना है अच्छे से। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखनी है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखनी है। मिक्स हो गए अच्छे से, ये देखिए इस तरह होना चाहिए, परफेक्ट हो गया अभी तो। अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्रेड क्रम्स, आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो कॉर्नफ्लेक्स भी ले सकते हैं, उसको थोड़ा सा क्रश करके ऐसे मिक्सर बना सकते हैं। यहाँ पे डाल देंगे, अच्छे से इसको कवर करेंगे पूरी तरह से ऐसे करके, ये देखिए रेडी हो गया, ये देख लीजिए। इस तरह सबको ऐसे बनाना है, और एक पीस बना के दिखा रही हूँ, ऐसे लेना है और ऐसे करके इसको कवर करना है। और बहुत क्रंची होगा ये,
लगाना ज़रूरी है, नहीं लगा के भी बना सकते हैं, फिर भी क्रंची ज़्यादा चाहिए तो इस तरह से बना लेना, और क्रंची नॉर्मली चाहिए तो कोई नहीं, ऐसे डिप करके फ्राई कर दे। ये देखिए बना के रेडी हो गए, इस तरह अच्छे से डिप कर देना, देख लीजिए परफेक्ट। मैं अभी गैस पे तेल गरम होने के लिए रखा हुआ है, देखिए ज़्यादा हीट भी नहीं करना है, मीडियम हीट करनी है, और इसको ऐसे आराम से डाल देना है, चिपक ना जाए इसलिए थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके डालनी है। अभी इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम कर देंगे, उसके बाद फिर मीडियम फ्लेम में छोड़ देंगे। 5 मिनट तक इसको बनाना है, और थोड़ा सा ऐसे चेक भी कर लेना चिपक ना जाए ऐसे। ये देख लीजिए 5 मिनट हो गई है, परफेक्ट बनी हुई है, देखिए क्रंची क्रंची लग रही है देखने में भी। अभी इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तब तक इसका तेल पूरा निकल जाए। ये देख लीजिए कितना क्रंची बनी हुई है, अंदर इतना सॉफ्ट बाहर इतने क्रंची। ये देखिए रेडी हो गया मेरा, आप एक बार खा के बताइए कैसे लगे आपको, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। ये मैं एक बार तोड़ के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए अंदर इतना अच्छी फीलिंग आ रही है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, और प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे ये चैनल पे, और मैं नए वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए थैंक यू।